हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जो है, उसकी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, कि इंडिया ने किस तरह से हेल्प करी यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स में, उसका क्या रोल रहा, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि इंडिया ने बहुत सारे ग्राउंड्स में, बहुत सारे स्फीयर्स में यूएन को सपोर्ट किया था ताकि वो दोबारा से रीबिल्ड कर सके, दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग कर सके। और इंडिया का ये मानना था कि जब यूनाइटेड नेशन में कोई भी चेंज होगा, उसकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिनेरियो जो है, उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसमें चेंज लाएंगे तो यूएन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड और रिवाइटलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया जो है वो हमेशा यूएन को सपोर्ट करता है कि वो अपने रोल को और ज़्यादा इन्हांस करे, और ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छे से दे, डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करे, कोऑपरेशन हो, जितनी भी स्टेट्स हैं वर्ल्ड की उन सभी में कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया ये भी बिलीव करता है कि डेवलपमेंट जो है वो यूएन का एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, सेंट्रल एजेंडा होना चाहिए, जबकि उसके सबसे पहले कंडीशन कौन सी है जो पहले से वो लेके चलता है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि जो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, उसको कभी भी मतलब फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। इंडिया जो है उसका मेजर कंसर्न जो है एक ये भी है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मतलब कंपोजिशन कितनी हो, उसके मेंबर्स कितने हो। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत देर तक स्टैटिक रही है, उसमें कोई भी चेंज जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यूएन जनरल असेंबली जो थी उसकी मेंबरशिप जो थी वो कुछ हद तक एक्सपैंड हुई थी, कुछ हद तक बढ़ाई गई थी। इंडिया ये भी कंसीडर करता है कि अगर एक सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उससे कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनने ये भी कहा, इंडिया का ये भी मानना था, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि काउंसिल की मेंबरशिप को अगर एक्सपैंड किया जाएगा तो इससे क्या होगा, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मतलब ज़्यादा नेशंस जो हैं वो इसमें अपनी कोऑपरेशन शो करेंगे, और बहुत सारे नेशंस जब मिलेंगे तो सपोर्ट बढ़ जाएगा, और सपोर्ट बढ़ेगा तो मतलब कोऑपरेशन जो है वो इजीली अर्न हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये है माइंड में रखनी चाहिए कि मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, सिक्योरिटी काउंसिल जो उसका एक ऑर्गन है, वो एक्सपैंड करी थी मतलब बढ़ाई गई थी। पहले 11 मेंबर्स होते थे और 1965 में उसकी नंबरिंग को इंक्रीज़ किया गया था, तो 15 नंबर जो थे वो सिक्योरिटी काउंसिल में कंपोजिशन में मेंबर्स होते उसमें, ठीक है। लेकिन कोई भी चेंज जो था वो परमानेंट मेंबर्स में कोई चेंज जो था बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था उसमें। तब से लेकर अब तक जो काउंसिल का साइज़ है वो सेम ही है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी चेंज जो है वो नहीं हुआ है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है, जो कि मतलब यूएन जनरल असेंबली से बिलोंग करते जो मेंबर्स, वो मैक्सिमम अब कौन से कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडिया का आर्गुमेंट एक ये भी है कि वो अपने रोल से क्या करना चाहता है, शेप प्रोवाइड करना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन को, कि जिससे कि वो सभी नेशंस को अफेक्ट करें, उन पर अपना प्रभाव डालें, जिससे कि वो सभी नेशंस जो हैं वो आकर यूएन के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो इंडिया जो है वो किसकी सपोर्ट करता है, यूएन की सपोर्ट करता है कि वो बोथ नंबरिंग इंक्रीज़ करें, मतलब परमानेंट मेंबर स्टेट्स की नंबरिंग भी इंक्रीज़ करें, और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी नंबरिंग भी इंक्रीज़ करें। इससे क्या होगा, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे कि पास्ट ईयर्स में देखा जाए, पिछले कुछ सालों में देखा जाए, तो उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती गई हैं। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी काउंसिल को सफलता मिलती जाएगी, उसके एक्शंस जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगी। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक्शंस को फॉलो किया जाएगा, या उनको और उन एक्शंस के बेसिस पर कोऑपरेशन बढ़ेगा, जिससे कि पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू उनको गेन हो सकता है। और कुछ और प्लान्स भी हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है, रिकंस्ट्रक्ट मतलब रिस्ट्रक्चरिंग में
हेल्प करती है इंडिया, जिससे कि वो ब्रॉड बेस्ड अपनी एक फॉर्मेशन बना सकती है। जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसमें कौन सी कंट्रीज आती है, मोर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उसमें मेंबर नेशंस है उसकी। तो इसमें इतना कुछ सरप्राइजिंगली हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया की भी मतलब एक विश है, उसकी भी एक वांट है कि वो भी परमानेंट मेंबर बने यूएन का। तो इंडिया जो कि जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे नेशंस जो हैं उनका ये क्वेश्चन था कि हाँ कितनी इकोनॉमी होनी चाहिए, वो इकोनॉमिकली कितने स्टेबल होनी चाहिए, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई गई थी कि कुछ स्टेप्स टेकन किए गए थे कि एक मेंबर नेशन बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या क्या क्राइटेरियाज जो हैं वो फॉलो करने होंगे कुछ नेशन स्टेट्स को। तो यहाँ पर बताया गया इंडिया जो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, जिसमें ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, ठीक है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा हम लोग ये बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए जो कि यूएन के लिए ही, मतलब यूएन की हर एक फंक्शन में या हम लोग बोल सकते हैं हर एक डेवलपमेंट पॉलिसी में इंडिया की पार्टिसिपेशन होती ही रही है। तो अगर हम लोग इंडिया का रोल जो है यूएन में देखें तो उसका एक पीस कीपिंग जो हम लोग देख सकते हैं, पीस कीपिंग एफर्ट्स जो होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो उसमें इंडिया जो है हमेशा अपना एक पार्ट जो है वो देता ही है। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो उसकी इकोनॉमी जो है वो एमर्ज हुई थी वर्ल्ड स्टेज, इज़ अनदर फैक्टर दैट परहैप्स, इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो परमानेंट सीट के काबिल है, सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सीट मतलब मिल सकती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या बताया गया है, इंडिया जो है वो रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो यूएन में देता ही है, और कभी भी उसने पेमेंट देने से इनकार नहीं किया, ना फ्लैटर्ड किया है, मतलब मना ही नहीं किया उसने। इंडिया जो है इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर है, वो जानता है कि परमानेंट मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो उसकी एक अलग ही मतलब इम्पोर्टेंस होती है, उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है जो सिग्निफाई करती है कि एक कंट्री की ग्रोइंग इम्पोर्टेंस जो है वर्ल्ड अफेयर्स में, कंट्री जो है वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाती है तो एक बहुत अच्छा या फिर बहुत स्पेशल स्टेटस जो है वो इंडिया को मिल सकता है, जिसका वो पूरा पूरा फ़ायदा ले सकता है। इवन हर एक तरह की फॉरेन पॉलिसीज़ में अपना वो पार्टिसिपेशन या कोऑपरेशन जो है वो शो कर सकता है। एक पावरफुल रेपुटेशन जो है वो इंडिया को मिल सकती है, जिससे बहुत सारे नेशंस जो हैं वो उसके प्रभाव में आ सकते हैं, इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। मतलब इतना सब होने की, इंडिया की विश होने के बावजूद भी परमानेंट वीटोज जो हैं, वीटो पावर जो हैं मतलब यूएन की, वो कंट्रीज़ कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने क्वेश्चन अराइज कर रखा है, लाइक पाकिस्तान हो गया या चाइना की हम लोग बात करें, तो वो चाहते हैं कि इंडिया का इंक्लूजन जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिया को परमानेंट सीट्स नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। लाइक पाकिस्तान जो कि इंडिया के साथ उसके बहुत ही ट्रबल्ड रिलेशंस रहते हैं, हमेशा आए दिन डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बनने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान या और भी कुछ नेशंस जो हैं वो उसके अगेंस्ट हैं। तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं जैसे वो इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी जानते हैं, तो अदर्स जो हैं उनका ये मानना है, कुछ और नेशंस जो हैं वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी इसको इंडिया के साथ डिफ़िकल्टी या वो प्रॉब्लम है उनको कि वो परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता पाकिस्तान, और वो चाहता है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर जो है वो ना बने। अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया यूएन का तो यूएन इंडिया को सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान को नहीं। तो अदर्स जो हैं, कुछ और नेशंस जो हैं वो ये सोचते हैं कि इंडिया अगर इंक्लूड हो गया, उसकी पावर जो है वह इमर्ज हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर जाएगा, लाइक ब्राज़ील, जर्मनी, जापान जैसे नेशंस जो हैं, साउथ अफ्रीका जो हैं, उनको मतलब अपोज, ये वाले नेशंस जो हैं वो भी कुछ हद तक अपोज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कोल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था, जब टू पावर ब्लॉक्स बने थे, वर्ल्ड पूरा डिवाइडेड था, तो उस टाइम पर भी इंडिया ने ही एक अदर मतलब हम लोग बोल सकते हैं पोल बनाया था जिसको नाम कहा गया था। तो उस टाइम पर भी वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा वॉरिड थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया,
कुछ और भी हैं जो ये सोचते हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो हैं वो रिप्रेजेंटेटेड हैं कहाँ पर, एक्सपेंशन ऑफ अमर, मतलब वो ये चाहते हैं कि हाँ मेंबरशिप जो है वो इन्हेंस होनी चाहिए, जो पहले थे वो सिर्फ कॉन्टिनेंटेड बेसिस थे, लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली थोड़ी इन्हेंस करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो कुछ और कंसर्न्स जो हैं वो देखने को मिले यहाँ पर, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडिया ईजिली क्या कर सकता है, परमानेंट मेम्बर जो है वो यू एन का फ्यूचर में बन सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।